रहीम, अस्सलाम असलम गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम आप सबको आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ जैसे कि आप जानते हैं आज 28 मई है और वैसे तो आज छुट्टी का दिन अनाउंस हुआ है लेकिन इस छुट्टी को अनाउंस करने का रीज़न क्या है पाकिस्तान में जोशो खरोश से योम तकबीर मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा आप सारा दिन वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखेंगे नेशनल लेवल पे और ये दिन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक तारीख़ साज दिन है रीज़न इस दिन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान बेसिकली दुनिया के नक्शे पर एक अटामिक पावर बन के उभरा अट्ठाईस मई के दिन पाकिस्तान में योम तकबीर मनाया जाता है इस रोज़ पाकिस्तान में पाकिस्तान ने एक मकाम पर दुश्मन के ख़िलाफ़ एटमी धमाके किए दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी किसी के दबाव में आने वाले नहीं बल्कि हम आँखों में आँखें डाल के बात करना और अगर लड़ना पड़े तो लड़ना जानते हैं जब हमने ये धमाके किए तो हम पे बहुत सी पाबंदियाँ भी लगाई गई बहुत से सवाल उठे मगर वक्त के साथ दुनिया में हमने एज पाकिस्तानी ये प्रूव किया कि हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत की सलाहियतें भी रखते हैं और हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं ये कार नामा नाइनटीन नाइन्टी एट में रूनमा हुआ और आज भी पाकिस्तान की तरक्की में इसका एक बहुत इम्पॉटेंट रोल है पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में इसके साथ साथ बहुत तरक्की की और आज हमारे पास ना सिर्फ शॉर्ट बलिस शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल है बल्कि हमारे पास एक मुकम्मल रेंज मौजूद है जैसे कि शाहीन और गौरी जैसे दरमिया फासले तक मार करने वार करने वाले मिसाइल्स शामिल हैं जब हम बात करते हैं इन सब बातों की तो इनमें हमारे साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है और इनकी वजह से पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ का सबसे पहला ऑटोमिक पावर या आटमी ताकत बना इसलिए हम उन सब साइंटिस्ट को भी सलाम पेश करते हैं और अपने लीडर्स को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इतने सेंसिबल और राइट right टाइम के ऊपर ये डिसीज़न लिया देखिए व्यूअर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस्लामिक कंट्रीज़ में कुछ ऐसे ममालिक हैं जो बड़े मुश्किल और बड़े टफ टाइम से गुजर रहे हैं हम एक एटमी पावर हैं एक अटोमिक पावर हैं जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अब फेस नहीं करनी पड़ती जैसे कि कोई भी मुल्क हमें डायरेक्टली थ्रेटन नहीं कर सकता क्योंकि हमें एक अटॉमिक पावर हैं सो so, इस वजह से हमारी दिफा और हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है उस वक्त लोग कहते थे कि भाई ये स्टेप लेने की क्या ज़रूरत थी और बड़ी अजीब इम्प्रेशन गई है आज के दिन जब हम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यूअर्स अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों का हाल देखते हैं और अदरवाइज़ दूसरे इस्लामिक ममालिक में जहाँ पर मुसलमानों को बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो तब जेन्यूनली मेरे जैसा बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि थैंक गॉड हम एक अटामिक पावर हैं व्यूअर्स कोई ये नहीं कह रहा कि हमें ऑटोमिक पावर होने का फ़ायदा उठाना चाहिए या किसी को अटैक करना चाहिए आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान ना तो एक लड़ाका मुल्क है और ना ही हम लड़ाइयों में पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन अपनी दिफा करना और अपने आप को सेफ़ रखना ये आपका मेरा हम सबका बुनियादी राइट है और अगर हमारे लीडर्स ने और हमारे नेशन ने हमें प्रोटेक्ट किया है एक अटोमिक पावर बन के तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अब लोग रियलाइज़ करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है उस वक्त शायद हमारा इतना विज़न नहीं था और लोग यही सोच रहे थे कि यार ये क्या हो गया है लेकिन इस एक अमल से हमारे लिए जो आसानियाँ पैदा हुई हैं और एटलीस्ट हम अपने आप को एक सेफ और एक प्रोटेक्टेड नेशन समझ सकते हैं कोई भी हमारे ऊपर एक दम से अटैक नहीं कर सकता करेगा तो हमारे पास भी जवाब है और हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं सो so, आज के दिन को अगर मनाया जा रहा है तो आज के दिन की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को भी समझना ज़रूरी है लोग सिर्फ छुट्टी का दिन समझ के आज के दिन को मत स्पेंड करें अपने बच्चों को अपने घर के लोगों को बताएं कि आज का दिन मनाने का मकसद क्या है और इसी पर्पस को हम पूरा करेंगे अपने शो के दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको एक्सैक्टली exactly एक्सप्लेन करेंगे कि हुआ क्या क्या ट्रडक्ट्री हुई पहले लोगों की क्या सोच थी अब लोगों की क्या मैंटेलिटी है और हम कितने लकी हैं कि वी आर द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री जो एक अटोमिक पावर है और उस एटोमिकॉट नॉट जस्ट एन एटोमिक पावर लेकिन हमने उस पर फिर तरक्की भी बहुत की है और हम इम्प्रूवमेंट्स भी कॉन्स्टेंटली ले कर आते रहे हैं तो हम किसी भी सुपर पावर से डायरेक्ट टक्कर ले सकते हैं जो हम नहीं लेंगे लेकिन बात यह है कि अब कोई भी हमें किसी भी तरीके से इनसिक्योर नहीं कर सकता अल्लाह का बड़ा करम है हमें आज के दिन जहाँ बाकी सब चीज़ें हम करते हैं वहाँ पर रब का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम पे इतना बड़ा करम किया

कि भाई यहाँ पे आपने नहीं, नहीं कर सकते कर। no goal, और देखो अपने आप को सिक्योर होके चलना हम सबका राइट है या तो देखो दुनिया में कोई भी अटोमिक पावर ना हो ना जी जी। तो हमें बनने की जरूरत ही नहीं, नहीं है लेकिन अगर दूसरे अटोमिक पावर बन रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं ना कि हमें कोई नहीं हाथ लगा नहीं सकता। लगा सकते तो हमारी, हमारी अल्लाह का so, फ्राई दाल चना बना रहे हैं हम तो इसके जो ढाबा स्टाइल जो जी जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बिल्कुल वो जो ट्रेडिशनल होता है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसका मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तेल लेंगे दो खाने के चम्मच दालचीनी एक अदद है तेज पत्ता लिया है एक अदद काली मिर्च ले लेंगे तीन से चार अदद जीरा लेंगे डेढ़ चाय का चम्मच प्याज दो अदद हैं अदरक लहसन का पेस्ट है डेढ़ चाय का चम्मच चने की दाल है डेढ़ कप नमक हंसबे जय का सुरख मिर्च हसबे जय का है धनिया पाउडर है एक चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर लिया है आधा खाने का चम्मच पानी थ्री एंड हाफ कप लिया है मक्खन दो सौ ग्राम है तड़के के लिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें घी लेंगे हम एक चौथाई कप सूखी सुरख मिर्च ली है चार से पाँच अदद, लहसन एक खाने का चम्मच है हरी मिर्चें हैं दो से तीन अदद, कश्मीरी सुरख मिर्च है आधा चाय का चम्मच मिर्च ली है एक चौथाई चाय का चम्मच और हरा धनिया है गार्निशिंग के लिए एक से दो खाने के चम्मच जो इसका मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ एक हम लोग अपनी हमने जो किया है इसके लिए चने की दाल को भिगो लिया है सबसे पहले और इसको मैंने बॉयल कर लिया ऑलमोस्ट एटी टू नाइन्टी परसेंट कुक है देन इसको मैंने ठंडा होकर साइड पे रख दिया था दूसरी तरफ अब मैं ऑयल ले लूँगी एक पतीली में ऑयल ले लेंगे उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा प्याज सौते करेंगे देन हम उसके अंदर जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डालेंगे थोड़ी सी खुशबू आएगी उसमें तेज़ पत्ता काले मिर्च ज़ीरा डाल देंगे उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से टमाटर कट करके डाल देंगे और ये थोड़ा सा जब मसाला भुन जाएगा टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर देंगे तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट हम लोग इसको हल्की आँच पर पकाएंगे और उसके साथ हम लोग दूसरी तरफ इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे उसके लिए हम लोग को चाहिए होगा जो हमने इन्ग्रीडियंट्स आपको बताई हैं सूखी मिर्च ले ली है हमने ज़ीरा ले लें लहसन के जवे ले लें घी के साथ हम ये तड़का लगाएंगे इसके ऊपर अच्छा सा भगाड़ देंगे और जो है ग्रीन चिली और धनिया के साथ हम लोग इसको गार्निशिंग करेंगे साथ हम लोग दही भले बना रहे हैं इसके साथ सर्व करेंगे और चपाती के साथ हम लोग आप ढाबा स्टाइल आज हमारी दाल फ्राई सर्व होगी एप्सिलूटली अमेजिंग और व्यूअर्स आज के शो में अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो जीरो फोर टू नाइन नाइन टू जीरो जीरो सिक्स फोर एट पर आप कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमने अगले हिस्से में तो बात करनी ही है योम तकबीर की लेकिन उसके साथ साथ एक मेजर इशू जो आज कल पाकिस्तान में बल्कि सारे साउथ एशिया में है वो है गर्मी का इशू और इतनी शदीद और इतनी सवियर हीट है उसकी वजह से बहुत से लोग जो है मुतासर तो हो रहे हैं लेकिन हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हुई हुई है हम अपनी ख़ुराक के थ्रू और अपने लाइफस्टाइल के थ्रू क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बच सकें क्योंकि व्यूअर्स हीट स्ट्रोक ऐसी कोई जहरीली चीज़ है कि हो जाए तो हफ्ते लग जाते हैं वीक्स लग जाते हैं उसे रिकवर करते हुए और ख़ुदा ना खास्ता इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है बहुत से ऐसे कैसे सुनते हैं कि इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी कि फलाम बंदे की डेथ ही हो गई तो गर्मी की वजह से और गर्मी की शिद्दत की वजह से हीट स्ट्रोक की वजह से सवेर डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत भी वाकई हो सकती है सो इससे रिलेटेड बात करेंगे गाइडेंस लेंगे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ऐसी एहतियात करनी चाहिए देखिए गर्मी को हम रोक नहीं सकते गर्मी से बच सकते हैं और अगर गर्मी के अंदर हमारा ज़्यादा इंट्रैक्शन है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि हमारे में नमकियात ना ख़त्म हो और हम डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक की तरफ ना जाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद जैनब गोंदला में ज्वाइन करेंगी उनसे गाइडेंस लेंगे आप हमारे साथ रहिएगा बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स आज पाकिस्तान में योम तकबीर मनाया जा रहा है और आज हम इस टॉपिक पे भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट जैनब गंदल ने असलब आज पाकिस्तान में योम तकबीर मनाया जा रहा है आई नो कि आप भी यू आर अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी मैं yeah. चाहूँगी कि आप भी अपनी फीलिंग शेयर करें बी के पाकिस्तानी जब आप ये देखते हो कि आपने एक पावर को होल्ड किया था एक डे पे और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप बड़ा उसको ओन करते हो इन अ सेंस कि अच्छा यार हमारी एक पहचान पूरी दुनिया में बन रही है फ़ॉर अ स्पेसिफ़िक रीज़न और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी कंट्री ने ऑफ़ कोर्स प्रॉस्पर भी किया उसके बाद और जो चीज़ें हुई उन चीज़ों को अगर हम लेकर चले तो आज पाकिस्तान ऑफ कोर्स जिस जगह स्टैंड कर रहा है उसमें वो रोल प्ले करती हैं और हम एक सपोर्ट सिस्टम अपना समझते हैं पाकिस्तान देखिए बात उसको. यह है कि हमारी अल्लाह का शुक्र है आर्म्ड फोर्सेस के बारे yes. में हर बंदा ये जानता है बल्कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस तो बाहर की दूसरी जो दूसरे ममालिक होती हैं उनको भी ट्रेनिंग देते yes. हैं तो exactly. और हमारे लोगों को बुलाया जाता है बाहर दूसरे ममालिक को ट्रेन करने के लिए भी तो ये तो नो no डाउट हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो गई हमारी पुलिस हो गई ये सब हमारी दिफा में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर बिल्कुल हैं। लेकिन जब आप अटोमिक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से yes. बात करें कोई अपना अपने मुल्क में अक्रॉस बॉर्डर yeah, किसी भी दुनिया के कोने में कोई बंदा बैठ के सोचे हाँ। कि भाई हम इनको अटैक कर दें और हम भी अटोमिक पावर है तो हम इन पे ऊपर बम गिरा दे वोटेवर कर दें तो हम क्या कर सकते हैं कुछ भी न्यूक्लियर पावर नहीं के सामने तो कुछ भी नहीं आप कर सकते और जब हमें ये लग रहा था कि मामला खराब हो रहा है और हमें कोई खास सीरियसली भी नहीं लिया जा रहा तो तब हमने ये कदम उठाया हमने कौन सा ये कदम एम उठा लिया एक दिन हमें आइडिया है हमें भी पता था कि आगे क्या आ रहा है बिल्कुल और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम एक अटोमिक पावर है हम, हम सेफ है, है।, हम है हमारी दिफा करने वाले विद इन द नेशन भी कर रहे हैं और खुदा ना खासा दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हमारे बारे में गलत सोच सोच भी नहीं सकता That is so true. और, और ये और एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है उस वक्त लोगों को समझ नहीं आती थी लोग सवाल करते थे और मैं हमेशा स्थिति में कहती थी इसमें सवाल करने की क्या बात है लॉजिकल बात है आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चीज रखी है घर में अगर हम सिक्योरिटी गार्ड भी रखते हैं और उसके पास अगर गन है तो हमने उसको इसलिए गन तो नहीं दी कि जो बंदा उसके सामने है उसको उड़ा दे exactly. वो गन इसलिए उसको दी है कि वो हमारे घर को महफूज रख सके और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मामला खराब हो तो हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए बिल्कुल सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों के अंडरस्टैंड करने की अच्छा आज एक और चीज़ जहाँ मुल्क के दिफा की बात कर रहे हैं तो हमारे मुल्क के लोग बहुत तंग हो रहे हैं ये जो गर्मी का की शिद्दत जहाँ बढ़ गई है पचास पचास डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुँचा हुआ है कराची में कल मेरी बात हो रही थी मुझे किसी ने शूट के लिए कहा तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है मुझे बताया उन्होंने कहा जी अगर हम आपको वीकेंड पर बुला लें तो मैंने कहा भाई कराची में तो लाहौर से भी ज़्यादा और कराची में तो चुभने वाली इस वक्त इतनी गर्मी हुई हुई है तो अगर हम आगे कर लें तो उसने कहा मैम आगे आपने जितनी भी करनी है शूट आप कर लें लेकिन बात यह कि गर्मी की शिद्दत अब टूटनी तो नहीं है बिल्कुल और गर्मी बढ़ती ही जाएगी डे बाय डे और अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर चल रहा है वो हम लोग पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो 2021 में ये कहा सबने कि जी क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है और एक ड्रास्टिक गर्मी बढ़ी लेकिन 2022 23 में पिछले सारे रिकॉर्ड्स भी टूट गए जितनी भी हम रिसर्च देखते हैं उसमें वो लोग ये बताते हैं कि हाँ जी क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि आप देखते हो कि टोटल एक रिवर्सल है उसका और टू में तो वैसे मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी को अंदर से तैयार नहीं करते तो हमें एक्स्ट्रा गर्मी लग रही होती है बिल्कुल सही कह रही है और वैसे ब्रेक के बाद भी एक और जैनब हमें ज्वाइन करेंगी हाँ। आपके साथ ही जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जर्नलिस्ट हैं राइटर हैं मोटिवेशन स्पीकर हैं तो उनसे भी हम ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात करेंगे लेकिन भाई क्लाइमेट चेंज हो गया है, ये तो एक फैक्ट है ना एग्जैक्ट उसको बदलने के लिए बेहतर करने के लिए जो स्टेप्स उठाने हैं वो हम सेकंड अपनी गुफ्तगु के हिस्से में करेंगे अभी जो आपने कहा कि अपने आप को तैयार करना बिल्कुल देखिए गर्मी की शिद्दत है आपने काम पे भी जाना है या बच्चे ने स्कूल जाना है अब है अब शुक्र गर्मियों की भी भी अनाउंस हो गई हैं जल्दी लेकिन फिर भी, 24 घंटे तो घर के अंदर बंदा नहीं बैठा होता और आप घर के अंदर अगर बैठे भी हुए हैं तो देखिए बिजली इस्तेमाल होती है हर बंदे के घर में ए नहीं है कूलर्स ने तो जवाब ही दे दी है पंखा ऐसे गर्म हवा घुमा रहा होता है कि जैसे लू घूम रही होती है ऐसे ही सो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें अपने आप अब देखो अफ्रीका जैसे मुल्क में भी तो लोग रहते हैं ना बिल्कुल और वही सेल्फ डिफेंस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपने अपनी बॉडी को एक तो पानी जो है वो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं दस से बारह ग्लास लेकिन आजकल जो हालात हैं उसमें आपको बारह से पंद्रह ग्लास तक पानी जो है वो डेली बेसिस पे पीना चाहिए और वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड रहते हैं हीट से जैसे हमारे मज़दूर तबका हो गया या वो लोग जिन लोगों ने कि इस तरह के जैसे कोई इंजीनियर्स होते हैं जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लोग होते हैं जिन लोगों का कांटेक्ट हीट से ज़्यादा होता है वो पंद्रह ग्लास से ऊपर भी पानी पी सकते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी उतना ज़्यादा आपको पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी अब हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि जितने हम शरबत पीते हैं जितने हम जो है बाकी ड्रिंक्स पीते हैं वो समझते हैं कि इन्होंने पानी की रिप्लेसमेंट कर दी है पानी की रिप्लेसमेंट इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है और ना ही हो सकती है और पता है लोग क्योंकि तबीयत जरा डाउन हो रही होती है और वो फील कर रहे होते हैं तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं और सिर्फ और वो कहते हैं कि भाई हम तो वाइट वाली सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं सफेद वाली जो उसी थ्रू होती है पानी के कलर की तो उसमें तो कुछ नहीं होता वो भाई रंग का फर्क है मसला उसमें वही है एक्जैक्टली exactly. और आपने उस वक्त कैफीन ले ली चीनी ले ली आपने पी लिया उसको आपका सिस्टम एकदम से जाग उठा उसके बाद फिर एकदम से उतनी ही जल्दी सिस्टम क्रैश भी करता है ऐसे ही क्योंकि कमी आपको नमकियात की है चीनी की नहीं ऐसे ही। आपने चाहे सॉफ्ट ड्रिंक पी है उसमें भी वो भी डायूराटिक होती है आपको यूरिनेशन का प्रोसेस स्पीड अप कर देती है आप चाय पी रहे हो कॉफी पी रहे हो ग्रीन टी पी रहे हो वो भी आपकी बॉडी में सेम प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कराता है अब मसला यहाँ पे ये यह आता है कि अगर आपने अपनी बॉडी को एक जागने की स्टेट में रखना है या जैसे बहुत से लोग होते हैं जो समझते हैं कि चाय या कॉफी के बगैर उनका डे स्टार्ट नहीं होता और मेरे डाइट प्लान में मुझे वेट लॉस कराने में जो एक प्रॉब्लम लोगों की तरफ से आ रही होती है वो मैक्सिमम आप समझें चाय या कॉफ़ी ही आ रही होती है उसमें रीजन है उसमें रीज़न ये होता पानी भी कम पीते है ना लोग बिल्कुल आठ से दस कप गर्मियों में आप चाय पी रहे हो तो पानी आप किस टाइम पे पियोगे बिल्कुल और बात यह कि देखिए वेट लॉस भी अगर आपने गर्मियों में करना है तो उसके बहुत आसान और बेहतरीन तरीके बिल्कुल उस उसपे अगर आप काम कर रहे हो लेकिन बाय द एंड आप बहुत ज़्यादा चाय ग्रीन टी या कॉफी पे एंड आप कर रहे हो तो पानी भी अपना काम नहीं करेगा जैसे हम अक्सर बताते हैं कि एक चाय का कप या कॉफी के कप की जगह आपने दो ग्लास पीने अब आठ ग्लास आपने पी आप आठ जगह का मतलब ये है कि आपने वो चाय का कप पिया तो उसके साथ आप अगर दो ग्लास पानी उसको बैलेंस करने के लिए पियेंगे तो तब तो आपका पानी सही रहेगा लेकिन अगर आप चार कप चाय पी रहे हैं और फिर आप दिन में सिर्फ फॉर एग्जांपल आठ ग्लास पानी पी रहेगा तो yes. exactly. so और, तो yes. तो और चीज खाने का दिल नहीं चाहता ऐसे ही तो इन दिनों में फिर लोग क्या करते हैं कि yes. खाने का दिल नहीं रहा चलो चाय का कप ही पी लेते हैं तो वो भी फिर एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो आप अपने सिस्टम को खुद अपने हाथों से क्रैश कर रहे होते हो अब मैं यहाँ पे जूसेस की बात लाजमी करना चाहूँगी क्योंकि जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो आप मूव ऑन करते हो कि अच्छा जी मैं ड्रिंक्स पी लेता हूँ जूसेस पी लेता हूँ या चाय चाय की हमने बात कर ली अब जूसेस एक बहुत मेजर पार्ट है लोग क्या करते हैं बाज़ार से डब्बे वाला जूस ख़रीदा डब्बे वाला जूस वैसे ही आपके लिए अच्छा नहीं होता और चीनी से भरपूर होता है चीनी नहीं तो नमक उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है वो क्या करता है आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेट करता है जितनी ज़्यादा चीनी उतनी डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी नंबर टू जो लोग ये लाल नीले पीले हरे शरबत जो है मार्केट से ख़रीद के पीते हैं वो भी सिर्फ़ और सिर्फ चीनी ही होती है और उसमें कुछ नहीं होता अब फालसा बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं बग़ैर नमक और चीनी के तो वो आपकी हाइड्रेशन को बेहतर करता है लेकिन अगर आप फालसे में बहुत ज़्यादा भर के नमक और चीनी डाल देते हो तो वो फ़ालसा भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है Watermelon, एक बहुत अच्छी example है हमारी कल मेरा नहीं दिल चारा था खाना खाने का रात को इतनी गर्मी और हो रही थी थी हल्की भूख लगी हुई तो मैंने थोड़ा तरबूज खा लिया आपका पेट भी फुल हो जाता है और आपको जो एक वो फीलिंग हो रही होती है कि यार मैं कुछ खाया भी नहीं भूख भी लग रही है वो भी फुल भी अगर हो शुगर लेनी है तो नेचुरल शुगर ले कि तरबूज खरबूजा अब ये बेसिकली तो इसके अंदर इतना पानी होता है कि वो भी आपको हेल्प करता है अगर नहीं बारह अगर आपसे नहीं चौदह अठारह ग्लास पानी पिया जा रहा तो कम अज़ कम फिर फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें बिल्कुल वाटर मेलन नाइन्टी पानी है आपका पीच जो है ऑलमोस्ट एटी नाइन परसेंट जो है एटी हाँ। नाइन पानी है और अगर आपका अफोर्डेबिलिटी का मसला है आप कुछ भी नहीं ले सकते खीरा तो हर इंसान की उसमें होता है पहुंच में उसमें 97 परसेंट तक पानी मौजूद होता है आप डेली बेसिस पे एक खीरा खा लें तो आपका वाटर कंटेंट बहुत हद तक जो है वो मैनेज हो जाता है लेकिन जिन लोगों का काम बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर है उन्हें अपनी नमकियात का ख़ास ख्याल रखना है yes. अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है तो वो पसीना भी पानी है ना जो आपके जिसम से निकल रहा है और जब वो निकलता है पसीना नमकीन की होता है क्योंकि उसमें हमारे जिस जिसम की जो नमकियात है पानी समेत निकल जाती है बिल्कुल सो so, नमकियात अगर आपके सिस्टम से बार बार निकल रही है तो उनको भी तो रिप्लेनिश करना है सो उसके लिए क्या कर सकते हैं जैसे कि जो लोग किचन में काम करते हैं खातन अब तीन, तीन तीन चार चार घंटे अगर हांडी पका रही हैं, गर्म कमरे के अंदर गर्म किचन के अंदर सबसे पहले तो मजदूर हमारे भाई को भाई भाई। प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक जरूर लगाएं। ठीक है आप चाहे घर के अंदर है किचन के अंदर भी आपने सन ब्लॉक लगाना है व्यूअर्स क्योंकि जब आप किचन में भी सन ब्लॉक नहीं लगाते तो उस हीट की वजह से आपकी स्किन रिएक्ट करती है और घर के अंदर भी हम लोगों ने अपने घर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं किया हुआ होता है यू वी ए और यू वी बी रेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपके घर के अंदर भी एंटर हो रही हैं आप अगर बहुत ज़्यादा चूल्हे के आगे नहीं भी जा रहे फिर भी आपकी स्किन जो है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अब आप अगर चूल्हे के आगे जा रहे हो बाहर जा रहे हो सनब्लॉक इज़ अ मस्ट वो ज़रूर लगाएं और उसके बाद आप लोग नींबू पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा रखें लेमन क्या करता है आपकी जितनी भी आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे होते हैं उसको आपकी बॉडी में प्रोटेक्ट करता है लेकिन फिर वही बात लीमू के साथ बहुत ज़्यादा नमक और चीनी ना डालें थोड़ी बहुत हाँ ठीक है आप पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो तो पिंक सॉल्ट क्या करता है आपकी बॉडी में जितने भी लॉस हो रहे होते हैं आपके आयंस लॉस हो रहे होते हैं जितने भी आपके नमकियात लॉस हो रहे होते हैं वो उसको पूरा करता है आपकी बॉडी में आप एक लीमू ले लें एक बॉटल पानी लें उसके अंदर एक लींबू डालें थोड़ा सा आपका काला नमक डालें और हल्की सी चीनी अगर आप टेस्ट के लिए डालना चाहें अगर नहीं तो आप उसकी जगह शक्कर, भी डाल एक्टली exactly, वो यूज कर सकते अच्छा हैं अच्छा सत्तू बड़ा एक ऑप्शन है सत्तू बहुत अच्छा ऑप्शन है सत्तू को आप शक्कर के साथ एक दिन में दो चम्मच सत्तू लें एक चम्मच शक्कर लें और आप उसको इस्तेमाल करें तो पूरे दिन की आपकी जो एक बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है उसको बहुत हद तक आप बेहतर कर सकते हो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि जी हम लोग फ्रूट तो ले रहे हैं तो अब पानी की तो ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो गई है आपने खरबूजा खाया है आपने जो है अपना ये गर्मा खा लिया है तरबूज खा लिया है पानी की ज़रूरत आपकी वहीं की वहीं रहती है अब अगर पानी सादा नहीं पिया जाता या बहुत ज़्यादा आप ठंडा इस्तेमाल करते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता नॉर्मल रूम टेम्परेचर पिए अगर अदरवाइज थोड़ा सा ठंडा उसे कर लें और उसके अंदर थोड़ा उसे डिटॉक्स बना सकते हैं अच्छा सत्तू का सही इस्तेमाल बता दो बिकॉज तो जान देखो सत्तू बाइट सेल्फ पानी के अंदर डाल के नहीं पिया जाता है yes. अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर या कुछ मीठा नहीं डालते तो आ, वो अलग से नहीं उतरता ऐसे ही तो वो भी बता दो आप हाफ टी स्पून जो है वो शक्कर का ले लें और तकरीबन दो चम्मच जो है वो सत्तू के ले लें उसको आप मिक्स करें और आप उसके अंदर जो आधी टी स्पून शक्कर की डालेंगे वो आपको बहुत अच्छा एक जो है ना बूस्ट दे देती है बॉडी को एनर्जेटिक कर देती है और आप बड़ा अच्छा फील करते हैं उसके बाद दूसरा जो आपकी स्किन ड्राई हो रही होती है लिप्स आजकल आप जिसके भी देखो बड़े ड्राई पैचेस बन रहे होते हैं वो इसी वजह से हो रहे होते हैं क्योंकि आपने पानी अपना इतना कम कर दिया होता है कि आपके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो पहले सबसे स्किन पे नज़र आना शुरू होते हैं उसके बाद आप देखते हो कि बॉडी हीट स्ट्रोक और सन बर्न और उनकी तरफ जाना शुरू हो जाती है अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर सबको एक मशवरा देना चाहूँगी देखिए ओवर तो हर बंदे की पहुँच में मतलब एक अवेलेबल चीज़ है घर में ओ आर एस के पैकेट अब कल जाके मैंने भी ना वो बड़ा वाला एक डब्बा पच्चीस वाला ख़रीद लिया उसमें हाँ। वो लीटर लीटर वाले जो पैक्स होते हैं मैंने गाड़ी में भी रखा घर में भी रखा और यहाँ पे पी टी डी पर भी अब हमने रखे हुए हैं क्यों क्योंकि तो कभी भी एट एनी पॉइंट जब आपको एकदम से आप गर्मी से आएँ आपका दिमाग घूम रहा हो आप डाउन हो रहे हो ओ आर एस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नहीं। पूरा लीटर नहीं है आपने पीना क्योंकि ऑब्वियसली पूरा लीटर तो मतलब अनलेस अगर पूरे लीटर की जरूरत है शायद डॉक्टर पर भी चेकअप के लिए फिर आपको जाना चाहिए लेकिन एक आपने लीटर बनाया और सबको एक एक ग्लास आपने पिला दिया मोर देन इनफ बिल्कुल आपको रिजुविनेट करने के लिए छोटे बच्चे अगर एकदम से डाउन हो रहे हैं आपको लग रहा है कि अभी गर्मी में खेल के आए हैं और निढाल हो रहे हैं गर रहे हैं गिर रहे हैं उनको थोड़ा सा ओ आर एस पिला दिया ये तो एक बड़ी आसान ऑप्शन है ना आपने पैकेट्स रखे हुए हैं घर के अंदर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया चिया सीड्स बड़ी अच्छी ऑप्शन है तो लंगा बड़ी अच्छी ऑप्शन है आप उनको सिंपल पानी में डाल के रख दें और आप बेशक उनको दिन में इस्तेमाल करें जब आप जिम जा रहे हो स्पेशली जो लोग एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए तो ये गर्मी का सीजन काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब हो जाता है अब मैं आपको अपनी ही एग्जाम्पल देती हूँ मेरे साथ लास्ट वीक में क्या हुआ क्योंकि आजकल लोगों की स्किन बहुत ख़राब हो रही है exactly. मेरे साथ एक आर्टिस्ट काम कर रही है इस्लाम आबाद में तो मैंने उसको देखा मैंने कहा बैठे मैं मुंह को क्या हुआ है मैं आप ही क्या बताऊँ कराची उसके दाने आप कंसील हो गया। दूसरी बात स्किन छिलकों की तरह उतर रही थी आप ही उभरनी शुरू होती है उसको ऊपर मैं इस तरह करके उतारती हूँ फिर मैं बेस क्योंकि मैं बहुत तंग हो रही हूँ तो मतलब लिटरली खाल उधर रही है ट्रू और छोटे 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 दाने मैंने पूछा पानी कितना पी रहे हो क्योंकि आप ही उतना ही चार पांच गिलास मैंने कहा बैठे तो फिर

मैंने फिर उसके साथ क्या किया एक तो मैंने जिम जाते हुए अपनी बॉटल में चिया सीड्स डालने शुरू किए दूसरा मैंने ओ आर एस ग्लूकोज और उसके साथ लीमू पानी का इस्तेमाल जो है शुरू किया तीसरा मेरी अम्मी ने जो मेरे साथ काम किया उन्होंने मुझे लस्सी पिलानी शुरू की लस्सी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अनटिल आप उसके अंदर नमक डाल दें अब लस्सी ने क्या किया था उसने आपकी बॉडी में जाके पानी का जो लेवल था उसको रेज़ करना था और आपको एक हाइड्रेशन मोड में लेके जाना था जब आपने उसमें नमक डाल दिया तो टोटल जाके बॉडी जो है ना उसको नमक ने वाटर को होल्ड कर लिया और आपकी बॉडी में जो पानी है वो वहीं पे स्टक हो गया अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मैंने किस तरफ निकलना है क्या करना है तो नमक अगर आप नहीं डालते और आप सिंपल लस्सी का इस्तेमाल करते हो दही का इस्तेमाल अपने खाने के साथ जरूर रखें इवन नाश्ता भी आप कर रहे हैं तो नाश्ते में एक से दो चम्मच दही का आप इस्तेमाल कर लें वो आपके लिए बड़ी एक सूदेंग इफेक्ट आपको दे देती है दूसरा दही जो है वो आप लस्सी के फॉर्म में ले रहे हो इवन दूध की आप लस्सी जिसको हम कच्ची लस्सी बोलते हैं वो ले सकते हो आम हमने खाने शुरू कर दिए लेकिन उसके बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल जो है वो अभी तक प्रॉपर मैंने नहीं देखा कि हो रहा है भाई सत्तू कच्ची लस्सी हाँ। तुख मलंगा ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल में लेके इन चीज़ों को इस्तेमाल में लेके आए अब वही तुकमलंगा आप नींबू पानी में ऐड कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप लाल शरबत नहीं उसको मिक्स करके पिए देखिए मैं बार बार कह रही हूँ उस वक्त आपको फ़ॉरन एक बूस्ट मिल जाता है क्योंकि चीनी आपके सिस्टम में जा रही है वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है वो फ़ॉरन आपको वो कर देती है आपको लगता है मैं ठीक फिर तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद आप डाउन होना शुरू हो जाते हैं सो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज़ कि अपने अंदर लिक्विड की इनटेक को नॉर्मलाइज करें और अपनी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से आगे लेके चलें अब क्लाइमेट चेंज की ब्रेक के बाद बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स किस तरीके से हम अपने आप को क्लाइमेट चेंज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड देन ऑफ कोर्स अदरवाइज इज़ वेल ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स बस आज जैनब जैनब हो गया है हर जगह जैनब गंदल तो हमारे साथ थी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट और वेरी पेट्रियाटिक जैनब वहीद ने वालेकुम असल वालेकाम बेटे सबसे पहले तो जैसे कि ब्रेक से पहले भी व्यूअर्स वी आपके साथ शेयर किया हमें ज्वाइन करेंगी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी बच्ची है कितो क्लाइमेट एक्टिविस्ट अभी ये इनसे हम जानेंगे क्योंकि ये जो हर वक्त माँ बाप कहते हैं मैं भी एज अ मदर कहती रहती हूँ यार बच्चों को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है बच्चों को पढ़ाई के अलावा भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए और वो फिर सिर्फ ये होता है ये एक बच्चों का इंटरेस्ट होता है बट इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चलो अपनी जगह ठीक है अगर आपने आईटी या किसी इस किस्म के एरिया के अंदर जाना है लेकिन डे टू डे लिविंग ये जानना कि आपके मुल्क में आपके एनवायरनमेंट में आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और अपना हिस्सा डालना एक माँ होने के नाते मेरे ख्याल से मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है तो बच्चे तो सबके के होते हैं और ये जो यंग लेडी हैं जिस तरह मेरे बेटे ने अभी कुछ दिन पहले अपनी हाई स्कूल कम्प्लीट किया तो हमारी ये बेटी भी इस ए लेवल्स की स्टूडेंट है माशा से तो जैन कैसी हो बेटा बिल्कुल ठीक मैम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर अच्छा चांद सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट होता क्या है okay. और ये जो हम गर्मी की और शिद्दत की बात कर रहे हैं ये क्या मामला है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सिंपली कोई भी ऐसा शख्स है जो माहौलिया तब्दीली और मौसमियाती तब्दीली के बारे में बहुत वरीड है और उसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं इस बारे में सोच सोच के कि जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मौसम हमारा दुनिया का पूरी दुनिया का तब्दील हो रहा है अन करीब सारी लाइफ फ्रॉम दी अर्थ खत्म हो जाएगी और हमारे रहने की कोई जगह नहीं रहेगी बिकॉज़ हम अपनी ज़मीन को यूं बर्बाद कर रहे हैं और कितने मज़े की बात है जैनब कि हमारा टोटल फोकस एक ही चीज़ पे होता है हमने प्लॉट बनाना है हमने प्रॉपर्टी बनानी है ओ भाई सत्तर हजार कनाल भी आपके पास आ जाए या सत्तर हजार exactly. एकड़ भी आपके पास आ जाए तो अगर सांस ही नहीं आ रहा तो उन एकड़ों का चार डालना है ये किसी के बात ही नहीं जहन में बैठ रही yeah. हर वक्त एडल्ट बैठ के बात करना है ना इन्वेस्टमेंट करनी है बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करना yeah. है yeah. बेटियों के लिए कुछ छोड़ना है yeah. तो कौन सा क्या अगर फ्यूचर कौन सा <laughs> कैसा फ्यूचर एक ऐसी दुनिया में जो जैसे हम हीट वेव्स अभी देख रहे हैं ऐसी दुनिया जो जल रही है जिसमें हर साल सैलाब आ रहे हैं हर साल लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं अभी देखो, अभी देखो अभी देखो क्या लोग फौत हो रहे हैं एक्जैक्टली exactly, गर्मी की वजह से फॉरेस्ट में आग लग रही है जानवर जो है वो बेचारे ने हर साल खबर आती है और हीट वेव अभी तो हीट वेव चल रही है इससे जो ग्लेशियर फटेंगे और फिर जो सैलाब आएंगे वो एक नया मसला

पैदा कैसे होता है वो जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स कोयला ईंधन तेल ये सारी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे हमारी ज़मीन का माहौल ख़राब हो रहा है उससे सूरज की इतनी ख़तरनाक शुआएं हमारी ज़मीन के माहौल के अंदर दाखिल होती हैं और निकल नहीं सकती जिसकी वजह से माहौल ओवरऑल चेंज होता है टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं दुनिया भर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है उससे हीट वेव्स बढ़ती हैं हीट वेव से फिर जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो सैलाब आते हैं जहाँ पे पानी की ऑलरेडी ज्यादा है वहाँ लाभ आते हैं जहाँ पहले कमी है वहाँ मजीद कहत पड़ते हैं जहाँ प्यास है वहाँ प्यास पड़ती है जहाँ भूख है वहाँ भूख बढ़ती है जहाँ गुरबत है वहाँ गुरबत बढ़ती है और ये तमाम मसाइल एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज से मज़ीद ख़राब होंगे बद से बदतर होते चले जाएंगे और कोई भी मसला हम इंडिविजुअली देखें गुर्बत को भूख को देख लें आप सेहत को देख लें कोई भी मसला इंडिविजुअली जो एग्जिस्ट करता है क्लाइमेट चेंज उसको मजीद खराब करेगा तो जैसे कि आप सतराह अठारह साल के एक यंग बच्चे हो तो बेटे आपको ये किस तरह सूझी क्योंकि ये आज की तो कहानी नहीं है तीन चार साल से आप लगे हुए हो बिल्कुल प्रोफेशनली प्रॉपरली जी और उससे पहले तो जो भी था बट प्रोपरली आम पे तो आप तीन चार साल पहले हो। आम ये आम पे इसलिए आ रहा है क्योंकि डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं ये डिजास्टर्स पहले प्रिडिक्टेड नहीं पर्सनली मेरा, मेरा इंटरेस्ट इसमें ऐसे बढ़ा कि मेरा तीन चार साल से आप इस तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो मेरा ज, जिस गाँव से ताल्लुक है वो नद पाकिस्तान में आबिदाबाद के करीब एक गाँव है जहाँ लोग बारिशों के प्रिडिक्टेबल पानी के ऊपर गुजारा करते थे जब बारिशें होती थी उसको स्टोर कर लेते थे और आ, कट्ठा नाम का यूँ एक पानी बहता है साफ पानी पीने का जिससे लोग अपना गुजर बसर करते हैं लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब बारिशों का पैटर्न चेंज हो रहा है तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है पानी सूख गया है जिसकी वजह से बच्चियों को अपने स्कूलों से निकल कर तालीम छोड़ कर किलोमीटर चलना पड़ता है कई कई किलोमीटर पैदल चल के पानी लाना पड़ता है अपने खानदानों के लिए और अपनी फैमिली के लिए कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ जिंदगियां मुतासर हो रही हैं ऑन ग्राउंड मेरे गांव में बल्कि बच्चियों की तालीम भी मुतासर हो रही है जो कि एक नाइंसाफी है क्योंकि इन बच्चियों ने और इन लोगों ने क्लाइमेट चेंज को कॉज करने के लिए कुछ भी नहीं किया वो बस नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन बेटा सब कहते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में हो रहा है इसका हमारे ऊपर जिम्मा कम है बिल्कुल और दूसरे ममालिक बिल्कुल तो ये क्या माजरा है क्लाइमेट चेंज की वजह है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम झल्ले हो जाएं और जो दिन में आता करें, करें। हमने फिर भी उस चीज को काउंटर करना है अगर हमें फॉर एग्जांपल अफ्रीका की वजह से हमारे मामला खराब हो रहे हैं खराब तो हो रहे हैं ना हमने तो अपना हिस्सा डालना है exactly. उसका यह मतलब नहीं है कि हम अब बैठ जाए कि हमारी तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है अगले रोके ना रोके वो उनका मसला है हमने तो कुछ करना है ना बिल्कुल जी बिल्कुल जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं इल्ज़ाम की कि आखिर जिम्मेदार कौन है तो हमें वजह देखनी है कि वजह है जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो क्लाइमेट चेंज कॉस कर रहा है और ये धुआं निकलता है अमीर ममालिक के अंदर जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे तो नर्दर्न अमेरिका और यूरोप ये तमाम ममालिक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज कॉज करने के लिए और क्योंकि तारीखी तौर पे हमारा वाला जो एरिया है यहाँ से रिसोर्स लूट के लेके जाते थे और फैक्ट्रियाँ चलाते थे इसीलिए हमारा कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है लेकिन दुनिया की ज्योग्राफ़ी ऐसी है कि हम सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे जब हीट वेव्स आती हैं सैलाब आते हैं कहर पड़ते हैं तो ग्लोबल साउथ यानी दुनिया का नीचे वाला हिस्सा जहाँ हम हैं और जहाँ बाक़ी तमाम गरीब ममालिक हैं वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्लाइमेट का और जनबिर कितने लोग अब इस वक्त हॉस्पिटल्स में सफ़र कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि हर बंदा जो है वो हीट वेव की वजह से बच्चे हम छोटे छोटे बच्चे मैंने उस दिन तीन से चार माह का एक बच्चा था उसको देखा उसकी लिटरली उसने ज़ुबान बाहर निकाली हुई थी और वो हाँप रहा था अब आप उसको पानी तक नहीं दे सकते हो इस एज में क्योंकि आपने उसको सिर्फ दूध के ऊपर रखना है और दूध अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं दे रहे हो

पोलर एरियाज हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ जिंदगी मुतासर हो रही है वी टॉक अबाउट पोलर बियर्स वो तो एक स्टेरियो बन गया है कि सेव द बियर्स क्लाइमेट की जो बात करते हैं वो तो सिर्फ और भी पे जानवर लेकिन बेशुम जानवर माइग्रेशन पैटर्न चेंज हो रहे हैं बर्ड्स के जो चरंद पिंद हर साल हर सीजन में माइग्रेट करते हैं क्लाइमेट की वजह से उनके पैटर्नस चेंज हो रहे हैं और कई हमारे दरफ़त नापैद होते जा रहे हैं क्योंकि जो माहौल है उनके आ, वो नहीं हमने लगाए थे इस हिसाब से कि भाई एक सर्टन मौसम है आप देखें तो पौधों का जिस तरह इंसान तो चले अडेप कर ही जाते हैं लेकिन पौधे और चरिंद परिंद एक सर्टन लिमिट से ज्यादा ना गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं ना, ना सर्दी अगर कुछ ऐसे जानवर है जो पानी के करीब ही रहते हैं अगर वहाँ पानी सूख जाएगा तो वो जा नहीं सकते और व्यूअर्स याद रखें अगर जानवर और चरिंद परिंद और पौधे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं यानी कि वो खत्म होते जा रहे हैं जमीन से जब हमें फसलों की बात करना भी बहुत जरूरी है बर्बाद हो जाए सैलाब से तो चले होती है कितना नहीं नुकसान नहीं, तो, अभी अभी तो हुआ है उससे जो भूख पैदा होती है और उससे फिर महंगाई जो पैदा होती है तो गरीब बंदे की पहले ही कोई जगह नहीं है फिर मजीद कोई जगह नहीं रहती तो आपने

उनके ऊपर अमल भी करें हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं बल्कि कई दिहाइयों से देख रहे हैं कि वर्ल्ड वर्ल्ड स्पेशली अमीर से पे जाते हैं हैं स्पीचेस करते और वादे करते हैं कि वो हम एनर्जी भी करेंगे हम आपको क्लाइमेट फाइनेंस भी देंगे कि आपको जो नुकसान होता है क्लाइमेट चेंज से उसका आप उजाला कर लें हम ये सब, ये सब लेकिन ये सब वादे हैं और पिछले दस सालों से ज्यादा में हम कोई क्लाइमेट फाइनेंस नहीं देखा हमने और यार पैसे दे भी देंगे तो उन पैसों का हमने चार डालना है अगेन वही वाली बात है

जानवर वगैरह के लिए भी आसानी और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करने के लिए और फिर आपका भी पैगाम सबसे पहले तो ये जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए पानी पीना ज़रूरी है तो हर इंसान हर घर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई मिट्टी का बर्तन लें उसके अंदर पानी और कुछ खाने के लिए जो है वो अपने बारिवियों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है बाजरा आप उनके लिए रखें और यकीन करें आप उनके लिए वसाइल पैदा करेंगे अल्लाह ताला आपके लिए पैदा कर देगा और उसके अलावा आपने अगर कोई प्लांट लगा सकते हो कोई छोटा सा एरिया आपके लिए घर में अवेलेबल है बहुत ज्यादा की मैं बात नहीं कर रही कोई बहुत छोटा सा है बहुत ज्यादा नहीं कर सकते छोटे छोटे लाके वहाँ पे प्लांट्स लगा दें और उन पे पानी डालें और उनका ख्याल रखें थैंक यू सो मच एंड सबसे पहले आपने अपना फोन उठाया आपने कहा कि बच्चों को फोन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो अगर हमने क्लाइमेट चेंज का हल करना है तो ये फोन एक बेहतरीन ऑप्शन है कि हम अपनी आवाज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अल्फाज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं हमेशा कहती हूँ एवरी सिंगल स्क्रोल ऑन सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट जब आप स्क्रोल करें तो किसी अच्छे कॉज के लिए करें और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है क्लाइमेट चेंज के एडवोकेट करना और क्लाइमेट एक्शन यही है क्लाइमेट तो की, करें और उनसे, आ, हमारी जो है, की उसमें अपनी आवाज भी शामिल करें वी नीड एज मैनी पीपल एज पॉसिबल फॉर दिस मूवमेंट क्योंकि हमने अपने आप को भी बचाना और इस दुनिया को भी बचाना है थैंक यू सो मच बेटा खुश रहो आबाद रहो और अल्लाह दोनों को करोड़ों कामयाबी से आमीन यहाँ पे भी वह ब्रेक की तरफ बढ़ना है और हम बात करेंगे योम तकबीर की लेकिन योम तकबीर ट्वेंटी एट्थ में नाइनटीन नाइन्टी एट की और वहाँ से लेके आज तक की जर्नी की आप हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं आज योम तकबीर है और आज के दिन की मुनासबत से जो दो ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं लेकिन एक शो का फॉर्मेट होता है नाम ही ले लो तो वो तो कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला हिस्टोरियन हैं ऑथर हैं हमारे शो का बड़ा अहम हिस्सा रहते हैं रेगुलरली एंड फॉर्म डीन है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के एट पंजाब यूनिवर्सिटी असल वाईक और डॉक्टर साहब के साथ हमें जॉइन किया है इनका तो नाम मुकम्मल नहीं होता चेहरा देख के ही लोग पहचान लेते हैं ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दुनिया न्यूज़ के उसके अलावा एक बेहतरीन और ब्रिलियंट सीनियर जर्नलिस्ट एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट तो बहुत से हैं बट रिस्पॉन्सिबल बड़े कम हैं एंड ही इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जिनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पे आता है आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान अनी साहब असल सर सबसे पहले तो आई हैव टू से दिस इट्स अ यूज ऑनर फॉर मी मैं हमेशा से आपकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको होस्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है सर बहुत शुक्रिया जी आपका अच्छा वो कहते हैं कि मोहब्बत और नफरत भी दो तरफा होती है और तलक भी दो तरफा होती है सर देखिए ऑफ रिकॉर्ड तो हम ये बातें कहते ही हैं बट जो बात मानने वाली है वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को माननी चाहिए तो सर बात यहीं से शुरू करते हैं कि जब 1998 में क्योंकि मैं शुरू से एक ही बात बार बार टच कर रही हूँ कि 1998 में जब ये धमाके हुए थे ना तो उस वक्त आवाम का बड़ा डिवाइडेड रिस्पॉन्स था मतलब यू नो आवा वॉज वेरी कन्फ्यूज मैं तो आवाम का हिस्सा हूँ ना दुनिया में क्या रिएक्शन था वो एक मुख्तलिफ चीज़ है लेकिन आवाम का बड़ा कन कर... कि ये हमने क्यों किया हम कुछ करने वाले घबरा गए लोग आज लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है उस वक्त क्या मामला थे नाइन्टीन नाइन्टी एट में देखें जुगन आप 1998 की बात कर रही हैं हमें 1974 पे जाना चाहिए कि एक तो ए, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया था उन्होंने 1974 में धमाका किया था और उसके बाद पाकिस्तान के सांसदानों ने उस वक़्त के प्रेसिडेंट भुटो से रबता किया और उन्होंने कहा कि जी ये हमारे लिए मैसेज है तो क्या हम इसकी अहलियत नहीं रखते भुटो साहब ने कहा कि आप करें तैयारी और जब हम एटॉमिक के प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसकी बुनियाद तो जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी और इसके बाद साइंसदानों का एक बड़ा रोल है फिर अगर आप माली वसाइल की फरामी की बात करें तो गुलाम इस खान साहब का एक किरदार है और फिर इसे पाया इसका जो बाकायदा ऐलान है वो किया है नवाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे अब And it took a lot of guts. जी बिल्कुल बहुत बड़ा स्टेप पूरी दुनिया से आप जुगन मैं उस सारी सूरत हाल से लम्हा लम्हा वाकफ़ हूँ कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे किस तरह का प्रेशर आ रहा था वो कासकस्तान के कैपिटल अलमाते में मौजूद थे जब उन्हें बताया गया कि इंडिया ने ये ग्यारह और तेरह मई को उन्होंने किए तीन धमाके उन्होंने ग्यारह मई को किए दो उन्होंने तेरह मई को किए तो ये वाज पैगाम था पाकिस्तान के लिए और उस वक़्त की अगर आप इंडिया की सूरत हाल देखें ना तो वहाँ उनके पॉलिटिशन अपनी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान को धमकाते नज़र आ रहे थे कि हम कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेंगे और उसके बाद जब ये ऐलान हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को जब बताया गया तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत okay. वहाँ अलमाते से उन्हें फ़ोन किया कि आप तैयारी शुरू करें और बाकी फैसला हम मैं पाकिस्तान आकर करता हूँ देखिए कन्फ्यूजन कोई नहीं थी आप जब पाकिस्तानी लोगों की बात करें ना तो पाकिस्तान की अवाम बड़े जज्बाती है ये पाकिस्तान के हवाले से और इंडिया की मुखालफत के हवाले से हमारी इंटेलिजेंसिया जो है ना उसमें हमेशा तकसीम होती है और फिर मुझे याद है कि एक कराची से लेकर खैबर तक एक जोश और जज्बा था और प्रेशर था बहुत बल्कि मैं ये हवाला भी देता चलूँ कि मैं उस वक्त चीफ रिपोर्टर था नवाद का और जनाब मजीद ददाबी साहब मुख्तलफ़ प्लेटफार्म पर यह कहते नज़र आ रहे थे कि मियाँ साहब धमाका आपको करना पड़ना है और अगर आपने धमाका ना किया तो आपका धमाका हो जाएगा देखें नवाज शरीफ साहब यकसू थे और उन्होंने एक मुशावरती अमल शुरू किया था पाकिस्तान के पॉलिटिशन से पाकिस्तान के तबकात के लोगों से आम लोगों से इंटेलिजेंसिया से सिविल से और मुझे याद है कि मैं उसके पंजाब असम्बली हॉस्टल में मौजूद था जब मुझे उनका फ़ोन आया है कि सलमान साहब आपका क्या ख्याल है मैंने कहा जिस जो शख्स मेरे साथ बात कर रहा है ना मैं जानता हूँ कि उन्होंने धमाका करना है लेकिन मियाँ साहब इसके लिए माहौल बनना चाहिए जो कम्पॉटेंट बात यह थी कि इंडियन धमाकों के बाद आलमी रायमा हरकत में आई और उन्हें पता था कि जवाबन अगर पाकिस्तान ने धमाके किए तो फिर ये ख़ता जो है ये ख़तरे में होगा और प्रजेंट को थे उन्होंने मतदद बार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को फ़ोन किया और यही प्रेशर देते रहे कि आपकी मैशियत का मसला है तो हम आपको पाँच अरब डॉलर देंगे और कुछ और बातें भी थी जो मैं इस प्लेटफार्म से करना मुनासिब नहीं समझता उन्होंने इंसेंटिव नवाज शरीफ साहब को भी दिए लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तमाम आलमी प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए फैसला किया अब बात यह कि अट्ठाईस मई पाकिस्तान की तारीख के हवाले से एक अहम दिन है इसलिए कि ये यौम तकबीर नहीं है ये योम अज़म भी है ये यौम अहद भी है कि पाकिस्तान की बकार सलामती के लिए किसी तरह की कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देंगे देखें एक काम तो हमने कर दिया कि 28 मई उन्नीस के बाद वो जो हमारा दुश्मन जो इस खत्े में एक नफसियाती कैफियत तारी करता था उसके बाद वो बॉडर पर नहीं आए उससे पहले वो बॉडर पर आते थे पाकिस्तान को दमकाते थे पाकिस्तान दिफाही से ख़ुद निसारी की मंजिल पर पहुंच गया और पांच के मुकाबले में सात धमाके आपने कर दिए जवाब साब बराबर कर दिया अब आ जाए कि असल चैलेंज क्या है कि आज के दिन जब आप और मैं बैठ के यहाँ पर खुशी बना रहे ना तो बात यह कि अब दुनिया के अंदर तोपों टैंकों की जंग नहीं होती अब मुशी जंग है असल काम अब यह है जी अब हमने हवाले से खुदारी की मंजिल पर पहुंच लें कैसे पहुंचने देखिए इसमें मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं कि ये जो सी पैक का अमल है ये भी हज़म नहीं हो पा रहा किसी को ये 2017 में वही प्राइम मिनिस्टर जिसने उसको जरूरत की एटमी धमाके कर दिए इकतदार उनका चला गया था मैं आज भी समझता हूँ कि वो इकतदार इसीलिए गया था कि आलमी फोर्सेज उन्हें हज़म नहीं कर पाई थी ये सी पैक का अमल भी जुगन जो दो हज़ार सत्रह में नवाज शरीफ साहब को नाहल करार दिया गया मैं नहीं मानता कि वो कोई पनामा लीक्स थी मेरे इलम में है कि वो सी पैक और आई एम एफ़ की लड़ाई थी इस प्राइम मिनिस्टर को सज़ा सुनाना मकसूद था वैसे आज क्या खुशगवार त्रीन दिन है कि आज हम योम तकबीर भी मना रहे हैं और आपके बिल्कुल करीब होटल में उनकी जनरल कौंसिल का इजलास हो रहा है आज वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेजिडेंट मुंतब होने जा रहे हैं इसका मतलब ये कि जो बड़ा काम करता है वो तारीख में भी सरखलू होता है खुदा की अदालत में भी सरखलू होता है और अवाम की अदालत में नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से दो आ रहा हो सकती हैं एटमी धमाका करके देखिए एटमी धमाके की बुनियाद रख के जुल्फ़कार अली भुट्टो भी अमर हो गए और एटमी धमाके करके नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान की अदालत में की अदालत में सुरू हो गए अब दुश्मन को ये ज़रूरत कभी नहीं होगी एक हरकत उन्होंने की थी तीन चार साल पहले आपको याद होगा कि बालाकोट के मुकाम पर चेक किया आपकी एयरफोर्स ने 24 घंटे के अंदर उन्हीं के दोनों त्यारे उन्हीं की सरजमीन पे मार गिराए और फिर ये पैगाम दिया कि दोबारा आपने ये काम नहीं करना और वो दोबारा ये काम नहीं करेंगे एग्जैक्टली exactly. जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने याद किया देखिए सलमान गनी साहब के बाद बात करना और मुश्किल है तमाम तमाम मतलब पहलुओं को उन्होंने मैं ये समझता हूँ कि 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम गिराए तो पूरी दुनिया में खौफ व हरास की फ़जा कायम हो गई फिर अमेरिका ने और वेस्ट ने ख़ुद ही सोचा कि एटमी जो तोानाई है वो एक मस्बत अंदाज से उसको इस्तेमाल किया जाए उसमें पाकिस्तान ने भी कराची में पहला एटॉमिक वो प्लांट लगाया फिर ये चश्मा बराज में भी एटॉमिक तोानाई के जरिए बिजली वगैरह पैदा करने की कोशिश हुई मगर जब उन्नीस सौ इकहत्तर में बंग्लादेश हमसे अलहदा हुआ और इंडिया ने उन्नीस सौ में ही आ, ये शुरू कर दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम और रशिया की मदद से किया तो जुल्फ़ार अली भुट्टो ने उन्नीस में ही हमारे यहाँ ये साइंसदानों को ज़िम्मेदारी दी कि छिहत्तर तक आप हमें एक एटॉमिक बम बना कर दीजिए और वो छिहत्तर तक, तक, तक तकरीबन बन गया था फिर जो पीरियड आया उनके बाद जो मार्शाला का पीरियड था वो तकरीबन मुकम्मल हो गया था 84, 86 तक हम धमाका नहीं कर रहे थे धमाका जो किया वो ज़ाहिर है कि गलती हुई इंडिया से कि उन्होंने 11 से 13 तक जो उन्होंने दोबारा पहले तो 74 में उन्होंने कहा और स्माइलिंग बुद्धा अंदाज़ा करें लॉर्ड बुद्धा जो कि नॉन वायलेंस का से, इलामत है उसको स्माइल दिया जा रहा है कि जी देखो बुद्धा जो नॉन वायलेंट है वायलेंट हो गया है तो आ, वो भुट्टो को और हमारी कौम को एक बिल्कुल एक तमाचा था ईस्ट पाकिस्तान अलहदा कर दिया था मक्ती बानी के जरिए अब ये कि मजीद हमारे मजीद हमें नुकसान पहुँचाना चाहता था लेकिन जो अठानवे में उनसे गलती हुई ग्यारह से तेरह मई में जबकि वेस्ट जानता था अमेरिका जानता था उनसे पूछा जाए कि जनाब उनके जब धमाके हो रहे थे आप कहाँ थे कि जी हमारे जो सिस्टम थे वो जाम हो गए उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया तो जब जब पाकिस्तान पर ये दबाव आया पाकिस्तान पर नहीं हुकूमत पर दबाव आया अवाम को तो पता ही नहीं था जैसे इन्होंने कहा अवाम को नहीं पता था लेकिन अवाम की ख्वाश थी कि इंडिया एक एटॉमिक पावर बन गया है तो हमें भी बनना चाहिए तो ये अवमी दबाव हुकूमत पर था फैसला फैसला साजों पर था और लकीली मियाँ नवाज शरीफ एक अलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जैसे इन्होंने कहा उन पर दबाव डाला गया रिश्वत देने की कोशिश की गई और ये वक्त देखिए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है इंडिया इसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने दोबारा किया हालांकि उनकी मेरे नज़दीक का थी उन्होंने दोबारा किया सेकेंड दफ़ा टेस्ट किया तो ये पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया मैं समझता हूँ कि ये मर्द आहन की निशानी थी और आ, मैं समझता हूँ कि ये टाइमली डिसीजन था पाकिस्तान सातवां मुल्क बना दुनिया में और इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बना hmm. और ये जो है हमारा बेसिकली कोई हम कोई बुद्धा की तरह और की सोच के मालिक नहीं है हमने अपने दफा के लिए बनाया है तो ना सिर्फ ये दफा के लिए बनाया फिर हमने जो ये सिस्टम डेवलप किया है hmm. और शॉर्ट रेंज जो किया है इससे क्या फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान का दफा जो है वो अब नाकबिल तस्खीर है आज भी आप देख लीजिए इसराइल का नितिन याहू जब बात करता है वो यही कहता है कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ना पाकिस्तान के पास असल ताकत क्या है वो समझते हैं एटॉमिक बम है लेकिन मैं इनसे इस्टामी इस्टामी कहते है। मैं कहते है। और तो ये तो एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है आप थोड़ा सा उस वक्त नाइन एट पर जाए ना एक तरफ तो हुत पाकिस्तान पर प्रेशर था फिर आपको याद है कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगी पाकिस्तान की आलमी इमदाद रोक दी गई और मैं पहले इंटरनेशनल प्रोपोगेंडा क्रिएट किया, उस कियाडा को क्रिएट करने के बाद फिर ऐसी के लेकिन आप देखे उसमें हुआ क्या मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जाति मिसाल देता हूँ कि मुझे तैरना नहीं आता था मेरे दोस्तों ने उकाड़ा के करीब एक बहुत बड़ी नहर है मुझे पुल से बीच में फेंक दिया और मुझे तैरना आ गया आपको पता है कि पाकिस्तान पे सैक्शन लगे पाकिस्तान सरवाइव कर गया और बात यह कि वो है ना कि उधर डूबे इधर निकले उधर डूबे उधर निकले कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूसियात दी है पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है पाकिस्तान की कौम जो है एक बाशूर कौम है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल एक जहीन नस्ल है हमारा एक अलबिया रहा है लीडरशिप का फुकदान, लीडरशिप कौमों को आगे लेके जाती है आज की सूरतआल में मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिर माहौल बन गया कि हमने मुआशी हवाले से आगे की तरफ़ जाना है लेकिन जुगन हमें ये बात आप कहने दीजिए कि अब हमें दुश्मन की उतनी फ़िक्र नहीं है हमारे अंदर से एक इंतशार एक खलफशार एक महाजराई एक तनाव एक टकराव की कैफियत तारी जा रही है और जब भी पाकिस्तान माशी हवाले से टेक ऑफ करने की पोजीशन में आता है दो काम होते हैं एक काम होता है दहशतगर्दी का अमल तेज़ हो जाता है मैं समझता हूँ पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बड़ा किरदार अदा किया है कुर्बानियों की एक तारीख रकम की है कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम बड़ा प्रेशर ना करते हों और हमारे अफसर और जवान कुर्बानियों की तारीख ना रकम करते हों कोई एक वाक़ आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तानी फ़ौज ने कहीं से पसपाई इख्तियार की हो या हमारे किसी फौजी जवान ने या ए, अफसर ने यह कहा हो कि मैं इस काम के लिए तैयार नहीं है कि एक कुर्बानियों की तारीख है दूसरी बात एक तरफ देश, दूसरा काम जो पाकिस्तान के अंदर से होता है ना वो यहाँ से मायूसी तारीख करने की कोशिश की जाती है माजी के अंदर ये काम दुश्मन किया करता था, था और वो कहते थे कि हम पाकिस्तान सर, को हमारे मुल्क में जज्बा बहुत है मायूस कर दोगे तो जज्बा मार जाएगा ये हमारे जज्बे को मारने की सर अटेम्प्ट पाकिस्तान बनने से पहले चल रही जानवर इसके लिए मेन रोल कौन अदा कर रहा है हमारा सोशल मीडिया सोशल मीडिया में कौन है देखें एक परसेप्शन ये है कि शायद यहाँ से कुछ लोग कर रहे हैं नहीं बाहर से भी कर रहे हैं इसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है परेशानी क्या है कि ये एटॉमिक पावर है इस एटॉमिक पावर पर असरअंदाज होना है लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा इस कौम के अंदर एक जज्बा और वलवला है जो असल ताकत है पाकिस्तान की और इसी ताकत की बुनियाद पर अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मीशत है लिहाजा जब तक हम हमशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे ये पाकिस्तान इकबाल और कैदम का पाकिस्तान नहीं बन सकेगा और व्यूअर्स यही पॉइंट है अल्टीमेटली हम बार बार इस प्रोग्राम पर क्यों सेल्फ एम्पावरमेंट की बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं अगर हम खुद ही सारे आपस में ख़ुद मुख्तार हो जाते हैं तो फिर हमें किसी और की कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी एंड आई एम सॉरी व्यूअर्स हर चीज़ जो है आप स्टेट और गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते क्योंकि जो कामयाब ममालिक है वहाँ पे आवाम पर्सनली अपनी और अपने घरानों की जिम्मेदारी लेती है और ख़ुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बनते हैं हम अभी तक पाकिस्तान के अच्छे सिटीजन नहीं बन पाए तो वर्ल्ड के कहां बनेंगे तो हमें अपने अंदर भी झांकना है अगर हमारे लीडर दलेर हैं और उन्होंने स्टेप लिए हैं हमारे लिए तो हम सपोर्ट में क्या करें ये एक मेजर सवाल है इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपसे आप हमारे साथ रहिएगा ब्रेक व्यूअर्स आइए किचन में नजर डालते हैं जी आमना

एक कन्फर्म सवाल था लेकिन ब्रेक में जो मैं बात सोचती रही और साहब मैंने भी आपसे पूछा तो आपने कहा मुझे ऑनर पूछना मैं ऑनर जवाब दूंगा तो आप दोनों से ये सवाल है कि देखें हर मुल्क के अपने हालात होते हैं सरकमस्टांसिस होते हैं मैंने जब कहा ना कि एक डिवाइडेड सोच थी तो जो मुझे सुनने को मिलता था और जिन मतलब लोग बैठे हुए हैं दस्त क्योंकि ऑब्वियसली जब ये हुआ तो महीनों तक हफ़्तों तक घरों में ड्राइंग रूम्स में इधर उधर गुफ्तुए हैं और आपने बिल्कुल सही कहा इंटेलिजेंसिया के सवाल उठे ये मतलब जो सो कॉल्ड मूवर्स एंड शेकर्स थिंकर्स होते हैं उन्होंने यह कहा कि भाई हमें इस वक्त पैसों की ज़रूरत है हम अगर पैसे ले लेते तो क्या वो बेहतर नहीं था ना कि हमने ये किया ठीक है हम इकटॉमिक पावर बन गए लेकिन इकॉनमी क्योंकि मजीद मसाइल उसके बाद सेंक्शन वगैरह बने तो इसको प्लीज़ कवर कर दें सर ताकि उन लोगों के सवाल कवर हो जाएं जो ये बार बार बात उठाते हैं बहुत ही एक्सलेंट सवाल पूछा है और है इसका जवाब देने से पहले मैं आपको याद दिलाऊँ कैद एजम मोहम्मद अली जना को जब तकरीबन पाकिस्तान बनने जा रहा था तो लॉर्ड मॉन्ट बैटन के पास जवाहरलाल नेहरू आए और गांधी जी आए कि आप ऐसे कीजिए कायदा अजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहिए कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और पाकिस्तान ना बनाएं। तो कायद अजम ने बड़ा उन्होंने कहा उन, वो जानते नहीं कायद अजम ना कभी बिका ना कभी झुका बिल्कुल मेरा जो जो पर्पस है जो मेरा कॉज़ है वो कॉज है पाकिस्तान बनाना तो इसी तरह नवाज शरीफ के नज़दीक उस वक़्त जो कि प्राइम मिनिस्टर थे अवमी राय जो भी थी वो इसलिए थी कि उन्होंने जमहूरियत थी लोगों से आरा ली और आरा लेकर ख़ुद फिर फैसला दिले रहना फैसला किया अगर वो पाँच अरब डॉलर ले भी लेते तो उसका क्या फ़र्क पड़ता जो कर्ज था आप पे वो सारा ख़त्म नहीं होना था हमने मौाक़े कहाँ ज़ाया किए जब पहली अफ़गान जहाद शुरू हुआ उसका जयाल साहब कुछ ना कुछ हम बारगेनिंग कर सकते थे हमने कोई बारगेनिंग नहीं की इस मौके पे क्या हम खैरात लेते क्या हम रिवार्ड लेते क्या ये हम और क्या, सारी जिंदगी काम पे ठप्पा लग जाता ठप्पा लग जाता और शख्स पे भी लग जाता और वो कौमों पे भी लग जाता कि यार ये पैसे लेके बिक जाते हैं इनके कोई असूल नहीं है कोई इनके प्रिंसिपल नहीं है इनकी कोई कॉज नहीं है तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ने कॉज को प्रेफर किया इंटरेस्ट को छोड़ा हाँ ये ये यकीन माशी हालात पाँच अरब डॉलर से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता लेकिन कॉमें कर्ज़ों पे नहीं आगे बढ़ती कॉमें बढ़ती एम्पावर्ड होने से जो कि आपने पहले कहा और एम्पावर कैसे होंगे जैसे आजकल आईटी पे हम जोर दे रहे हैं जब हम अपने नए इनोवेटिव रिसर्च और

जो बात कह रही हैं कि क्या नवाज शरीफ को नहीं पता था कि आलमी फोर्स के प्रेशर को नज़रअाज़ करते हुए उन्होंने जो ये फ़ैसला किया उस फैसले की जुगन एक कीमत थी वो कीमत उन्हें अदा करनी पड़ी इकतदार से उन्हें निकाल दिया गया आपका क्वेश्चन बड़ा वैलड है कि वो पाँच अरब डॉलर अगर ले लिए जाते हैं आप एटमी एटवींवतें इस्लामी बहद कु्वतें इस वक्त माशी हवाले से हमारे से मजबूत मुल्क भी मौजूद हैं हम जब मशरक़ वस्ती की बात करते हैं ना तो हवाले से तो मजबूत हैं लेकिन वो एटमी पावर नहीं है हमारे ख़ते के हालात दे, देखने हैं कि वो मुल्क जिसने हमें ना हज़म किया ना तस्लिम किया जो ये समझता था कि ये आज़ादी तो इन्होंने ले लिया ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे वो सरवाइव तो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया वो मुल्क जिसके बारे में आप कहते थे कि सरवाइव नहीं करेगा वो तो एटॉमिक पावर बन गया यहाँ हमें इसमें जो बात मैंने पहले भी कही है कि अटोमिक पावर हम बन गए इसमें मैं एक तारीख़ का हवाला देना ज़रूरी समझता हूँ कि यू जो था उनके पास भी एक बम थे उनका मेज़ाइल सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो अंदर से टूट गया इसलिए कि जब आप से कमज़ोर होंगे डावन डोल होंगे हालत दगरगूं होगी एक हाथ में न्यूक्लियर दूसरे हाथ में कशकोल ये कंट्राडिक्शन है देखिए आज का प्राइम मिनिस्टर मैं उनसे ए, लगातार मिलता हूँ उस शख्स में बड़ा पोटेंशियल है पंजाब का ए, उसने एक मॉडल सूबा बना के दिखाया इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पंजाब गवर्नेबल था उनके दौर में आज ए, उन पर एक मिनिया सवाल है कि हमने ख़तरनाक जोन से भी निकलना है आगे की तरफ भी बढ़ना है और शहबाज़ पीट का ख़िताब चीन ने उन्हें दिया था चीनी कैसे पहुंचे चीनी चीन हमारे साथ आज़ाद हुआ था वो कहाँ पहुंच गया हम कहाँ खड़े हैं चार जून को वो फिर चीन जा रहे हैं सी पैक पर एक दोबारा एक ताकत और कु्वत से हम फिर अमल पैरा हो रहे हैं कि जब सी पैक की हम बात करते हैं ना तो सी पैक ने एक बुनियादी किरदार अदा करना है हम हमें जो खुद नसारी की मंजिल पर पहुँचने के लिए और ये उनका कोई एहसान नहीं है जैसे मैं हमेशा सऊदी अरब के हवाले से कहता हूँ कि अगर सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है तो सऊदी अरब एक मुशी ताकत है पाकिस्तान एक दिफाही ताकत है और सऊदी अरब के दिफा का जुम्मा भी पाकिस्तान ने लिया है इसलिए कि अरमान शरीफ एन है हमारी एक जज्बाती वस्या वजह है क्या कि अपना सऊदी अरब भी पाँच से सात अरब डॉलर की सरमाकारी चाह रहा है दस अरब डॉलर की सरमाकारी का एलान अबूजी ने किया है अमीर कवियत भी आना चाह रहे हैं अमीर क़तर भी आ रहे हैं इसका मतलब जुगन पाकिस्तान एक गैर मामूली पावर है और जो स्ट्रगल के नतीजे में मुल्क बने होते हैं ना मैं उसमें समझता हूँ कि बुनियादी रोल जो होता है वो लीडरशिप का होता है क्या वजह थी कि बुनियादी तौर पर सोच अप्रोच ख्वाब हजरत इकबाल का था पाया तकमील पर उसे कायद अजम ने पहुँचाया और कायद अजम को इस काम पर लाए कौन हजरत इकबाल और अभी जब ये हवाला दे रहे थे अंग्रेज़ का तो एक अंग्रेज़ कहता है अपनी किताब में कायद अजम के बारे में उसने कहा कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो तारीख़ बदल देते हैं उससे कम लोग होते हैं जो जोग्राफिए को तब्दील कर देते हैं और कोई इक्का दुक्का होते हैं जिनकी लीडरशिप में कोई ममलकत वजूद में आती है ये मोहम्मद अली जिना वाह था तारीख़ भी बदल दी जोग्राफिया भी बदल दिया और उनकी लीडरशिप में एक ममलकत वजूद में आई मुझे पूरा यकीन है जिस तरह आप अपने रोशन चेहरे के साथ बैठी हैं पाकिस्तान का मुस्तबिल बड़ा रोशन है लेकिन काम हमें खुद करना है अपने जहां जहाँ हम बैठे हैं ना यहाँ बैठ के भी पाकिस्तान का काम हो सकता है मुझे बतौर जंग के के में तो, गई बड़े सोच में यहाँ कुछ नहीं हो सकता में रही मैं कुछ नहीं हो सकता अपनी अपनी जगह बैठ के काम करना पड़ेगा और फिर एक और होंगे हम कौम बने थे तो ममलिकत वजूद में आ गई और आज भी मैं समझता हूँ कि जो चीज़ है ना वो कहते हैं ना सिंधी नहीं तो कुछ भी नहीं अफगान नहीं तो कुछ भी नहीं कहते हैं कुछ लोग बलूचिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं प्यारा है पंजाब मुझे भी लेकिन दुनिया वालों से कहते हैं ये बात कि पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं कुछ भी। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है सबको बिल्कुल हमने पाकिस्तान को क्या दिया है सिर्फ इस अमर का हम लोग जायजा ले लेना तो मसला नेशन इज डन फॉर यू बट वट यू कैन डू फॉर नेशन आप अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं देखे व्यूअर्स माँ बाप के साथ भी गिव एंड टेक का ताल्लुक है इससे ज्यादा करीबी ताल्लुक क्या होता है माँ और औलाद का माँ और बाप की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी औलाद से ज्यादा प्रोवाइड माँ बाप ही करते हैं लेकिन पढ़ना फोकस करना डिसिप्लिन को लेके चलना ये सारी चीजें बच्चों से एक्सपेक्टेड होती है तो अगर आप नेशन के परस्पेक्टिव से भी देखें आप सिर्फ ले नहीं सकते कोई भी ताल्लुक सिर्फ अगर आप लेन लेने का रखेंगे और उसमें देने का कोई मामला नहीं करेंगे तो फिर हम सफ़र करेंगे तो इन कंक्लूजन एज अ मैसेज फॉर आर नेशन आप दोनों तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को मद्देनजर रखते हुए जी सर देखिए पाकिस्तान अभी बहुत ही कम उम्र की नेशन स्टेट है छिहत्तर साल हुए हैं मगर हमारे अगर देखी जाए अचीवमेंट्स बिल्कुल तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं हम चार जंगे लड़ चुके हैं फिर सर्वाइव करते हैं हम साइंटिफिकली जैसे एटॉमिक बम बनाया और हमने उसको टेस्ट भी कर लिया इतने दबाव के बावजूद जिसका फ़ायदा ये हुआ अटल बहारी वाजपेयी भी अगले ही साल पाकिस्तान आया शरीफ से मिलने पाकिस्तान को उसने बायदा फॉमली तस्लीम भी किया मैं ये समझता हूँ ये हमें हौसला हो, देता है ऐसे वाक़ात हमारे अंदर अज़्म पैदा करते हैं और ये भी साबित करते हैं कि हमारी कौम में पोटेंशल है हमारे ही साइंसदानों ने हमारे ही मसाइल इस्तेमाल करके आइटम बम बनाया मिसाइल बनाए महशत को ठीक किया और मैं जैसे पहले जिक्र कर रहा था सैंतीस सनतें थी अब इतने सी गली में भी जाएँ तो सैकड़ों से सनतें नज़र आती हैं हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और पुरुद रहना चाहिए बेशक देखें हम एठवी ताकत बन चुके हैं हमें कोई बैरूनी जारहीत का ख़तरा नहीं, नहीं है हमें फिर से एक कौम बनना है और माशी ताकत बन के ही हम सरवाइव कर सकते हैं और माशी ताकत बनने के लिए माशी खुद निसारी की मंजिल पर पहुँचने के लिए हमें अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी बनाना है और पाकिस्तान को अपनी अपनी सतह पर कुछ ना कुछ देना है पाकिस्तान के अंदर पोटेंशल मौजूद है बाशूर कौम है जहीन नौजवान नसल है एक बात मैं ज़रूर कहूँगा के एक प्लान तरीके से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर नफरत का जज्बा जो पैदा किया गया है उसका सदैब बाप करना होगा किस तरह करना है सर, सोशल के मीडिया की एक मैं बात चाहूंगी जो हम ब्रेक में कर रहे थे प्लीज मैं चाहूँगी ये उन माओ और बापों के लिए भी पैगाम है उन यंग लोग क्योंकि आज सारे घर पे हैं तो आपका पैगाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें प्लीज जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे मैंने आपसे क्या बच्चों वाली एक बात आके कही मैंने कहा देखे वो फलां के साथ ये हुआ तो आपने मेडिया... मुझे कहा जुगनी एक गलत खबर है सोशल मीडिया मैं ये कह रहा हूँ मैं रोज बैठ के हर खबर को मैं काउंटर चेक करता हूँ सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर इंतशार खलफशार महाजराई तनाव टकराव रियासत और रियाती इदारों के खिलाफ नफरत नफरत पैदा करने के लिए प्लान तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इसका जवाब सोशल मीडिया के महाज पर इतहाद और यकती के जरिए और पाकिस्तान के जज्बे के जरिए और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम को अपनी आँखें खुली रखनी होगी जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ कर पाकिस्तान के मफादा के खिलाफ काम कर रहे हैं रियासत को उनके गर्द घेरा तंग करना होगा और पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी नौजवानों को अपने जज्बे वलवल के जरिए उनका सदबाप करना होगा बिल्कुल और यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करते हुए मैं ये जरूर आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आज के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए किस तरह से गुजारना चाहिए क्योंकि देखिए आप लोग तो अपना रोल क्योंकि आप यू आर दूवर्स एंड शेकर्स आप लोग जाते हैं बात करते हैं अपना प्रस्पेक्टिव देते हैं डिबेट्स में कॉन्वर्सेशन में पढ़ते हैं हम लोग एज ए नेशन आज के दिन को कैसे मना सकते हैं क्योंकि हल्ला होता है और तो, सर आपके पास बड़ी मुख्त सी बात है।, है कि सिर्फ आज के दिन को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए हम अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी बना लें जो काम हम कर सकते हैं अगर हम अपनी सोच और अप्रोच को पाकिस्तानी बना गए फिर से कॉम बन गए तो फिर हमें माशी हवाले से खुद नसारी की मंजिल पर पहुँचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और पाकिस्तान एक मॉडल था मॉडल के तौर पर बनाया गया था कायद अज़म और इकबाल क्या चाहते थे कि एक तजर्बा गाह बनाई जाए तो जो दुनिया के लिए बशले रहा हो वह तभी बनेगी कि एटवीं ताकत के साथ हमें माशी ताकत भी बनना है सर आ, मैं ये समझता हूँ कि तीन वो दिन हैं तेईस मार्च बिल्कुल चौदह अगस्त और ये अट्ठाईस जिसको हमें भरपूर तरीके से बच्चों में नौजवानों में तमाम हलकों में भरपूर तरीके से इसके पैगाम को पहुँचाना है हमारा पैगाम क्या है ये एटॉमिक बम एक डेथरेट है हमारा मकसद किसी के ख़िलाफ़ जारियत नहीं है मगर अपना सेल्फ डिफेंस है और मैं इनसे इतफ करता हूँ ये सेल्फ डिफेंस में मीशत को भी अहमियत देनी है ये जो सोशल मीडिया का अब जिक्र फरमा रही थी सोशल मीडिया में जो बैठे हुए हैं वो बाहर से लोग ऑपरेट कर रहे हैं लाखों लोग है। और वो मैं आपको मेरे कई दफ़ा डिबेट होती है यूट्यूबर से जो कि पड़ोसी मुल्क में है उनके मेरे एक लफ्ज़ पे सैकड़ों वो नेगेटिव कमेंट करते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी मुल्क सियासत पर लगे हुए हैं हमारे मुल्क हैं कर्गस्तान का इशू आपके सामने है कि तीन बच्चों के जाम बाने की खबरों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तश्ेशीश की लहर दौड़ा दी थी गलत ख़बर थी और करगस्तान के साथ क्या हुआ कि वहाँ पर सोशल मीडिया पे उन्होंने वो वीडियो लोड की जिसमें उनके कुछ लोगों को मारा गया इसलिए कि वो बदतमीजी कर रहे थे वहाँ पर जॉर्डियंस के हॉस्टल में जाके उस सोशल मीडिया की वजह से कर्गस्तान का एक मैं समझता तो हूँ नापाक चेहरा दुनिया के सामने आया और उनके अंदर भी इस बात का एहसास मौजूद है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल होना चाहिए और सोशल मीडिया माशरे के अंदर इतहाद पैदा नहीं करता सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने का और व्यूअर्स बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो भले लोग जो एक्चुअल हमारे इंटेलिजेंसिया का हिस्सा है जो जो, जो एक्चुअली आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं उनकी बात ज़रूर सुने बेतुके प्रोपगेंडा का हिस्सा ना बने अल्लाह ताल तमें हमारे मुल्क को महफूज रखें आप भी हिस्सा डालें हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी अपना हिस्सा डालें तो कोई नहीं हमें रोक सकता एक कामयाब मुल्क बनने से और याद रखिएगा सोशल मीडिया इसलिए बना था कि लोगों को कनेक्ट किया जाए फेसबुक की कहानी हम सब ने सुनी हुई है ये सारी चीज़ें बनाई थी लोगों को कनेक्ट करने के लिए लेकिन हम अब उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बिगाड़ पैने के लिए पैदा करने के लिए उसी तरह हम अटॉपिक पावर बने थे अपनी दिफा के लिए किसी के ऊपर बम गिराने के लिए नहीं ये बात अगर हम अपने पल्ले बांध लें तो शायद हम सबकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद